आणि थँक्यू तसं सर. सर्व शेतकऱ्यांना आणि खास एफपीओ चा डायरेक्ट तज्ञ आणि आज जे आमच्या संघाचे जोडले आहे ते वैतुल्य एफपीओ आणि दुसरे पण एफपीओ चे जे शेतकरी बांधव आहे आणि पदाधिकारी आहे त्यांना आमचा खूप खूप स्वागत. मी हिंदी आणि मराठी मध्ये मिक्स बोलणार आहे. प्रथम तर कापसाला पांढरा सोना म्हणतात कशाला. भारताचं नाव होता सोने की चिडी. जहां डाल डाल पे सोने की चिड़िया करती है बसेरा वो भारत देश है मेरे. ये क्यों ये गाना लिखा गया था और ये 40 50 60 साल पहले का गाना है और सदियों से लोग इसको मानते आ रहे हैं कि भारत सोने की चिड़िया है. पर ये नई पीढ़ी को कुछ पता नहीं है. हम जो 50 100 200 साल का इतिहास पढ़ते हैं जो हमें पाठशालाओं में स्कूल में पढ़ाया जाता है उसमें सिर्फ मुगलों और अंग्रेजों की बात है. अपने इतने सारे रिच हिस्ट्री का और समृद्ध इतिहास की चर्चा अभी तक खास करके यंगस्टर्स में नहीं हुई है और किसानों में तो ये बिल्कुल नहीं हुई. सोने की चिड़िया नाम ऐसे ही नहीं पड़ा है. इतना सारा सोना था भारत में कि वो मोहम्मद गजनी अगर 7 बार पूरी तरह लूट के चले गया तो भी 10% भी नहीं लूट पाया. और ऐसे तो कितने लोगों ने लूटा है भारत को फिर भी इतना सोना और इतनी संपत्ति अपने पास रह गई थी तो कितना होगा ये आप सोच सकते हैं. और कपास पांडरा सोना व्हाइट गोल्ड सफेद सोना क्यों कहते हैं इसे. हाँ क्या आपको पता है कि कपास का व्हाइट गोल्ड होना और फार्मर का सुसाइड बहुत सारा लिंकेज है इन दोनों बातों में. सफेद सोना इसलिए कहा जाता था कि हकीकत में सोने के भाव और कपास के भाव एक तरीके रहते थे. आपके घर में कपास हो या सोना हो एक ही बात है इतनी कीमत थी. कपास की 12वीं 13वीं सदी तक तो बहुत सारा निर्यात भी भारत से होता था. कपड़े का निर्यात कपास का निर्यात स्पाइसेस का निर्यात. उसके बाद जब मुगल आए फिर अंग्रेज आए तो उन्होंने अपनी संस्कृति पे वार किया अपने ट्रेड पे वार किया व्यापार करने की सोच पे वार किया. इसलिए खेती पे भी वार हुआ. किसानों की मानसिकता बदलती गई ज्यादा उगाओ और जो हम नहीं करते थे वो किए जाए और पद्धति चेंज हो गई. हम ज्यादा से ज्यादा पेस्टिसाइड और सब यूज करने लग गए. जमीन की जो मूड़ी थी हमारे पास जमीन उसकी जो जान थी वो कम होती चली गई और ये कपास के प्रोडक्शन पे इसका असर दिखने लग गया. तो धीरे धीरे कपास का प्रोडक्शन कम होते गया खर्चा बढ़ते गया पेस्टिसाइड का खर्चा बढ़ते गया हवा में जहर जमीन में जहर पर खेत में कुछ नहीं. तो ये शौक किसान से बर्दाश्त नहीं हुआ. ये हमारी चौथी पीढ़ी है और कपास की खेती हम करीबन 400 साल से करते आ रहे हैं. व्यापार में हमारी ये चौथी पीढ़ी है. तो हमारे दादाजी कहते थे कि कपास का किसान अगर उसके घर में शादी होती थी और उसको शादी करनी होती थी फिर बात बार करने की बात थी. एक बार बात बार आई कि कपास के किसान के घर में शादी है लड़की हो या लड़का हो सच मंगनी पट ब्याह हो जाता था क्योंकि कपास का किसान है ऐसा तो होगा ही. ये सोचना नहीं पड़ता था ये हकीकत थी. पर आज ऐसा नहीं है. आज कपास का किसान तो छोड़िए कोई भी किसान हो क्या कोई लड़की देगा. पूछेगा कि खेती तो ठीक है पर कमाई कैसे करते हो. तो कपास की खेती का इतना समृद्ध इतिहास होने के बावजूद आज कपास की हालत वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए. और खास करके ये किसान भाइयों को समझना है कि ये जो क्रांति आएगी वो आज से आएगी. अंदर जो आग जगेगी वो आपके जगेगी तब तब ये क्रांति आपको पूरे पूरा जो फल है वो दे पाएगी. देखिए ये लास्ट 2 साल में हमने कॉटन कॉन्क्लेव रखा था उसकी ये मैनुअल है. कॉटन कॉन्क्लेव ये था 2018 में उसके बाद 2019 में हुआ. इस साल कोरोना की वजह से नहीं हो पाया था. उसमें आगे जो मैंने लिखा है ये जो एडिटर की नोट है वो आगे उसमें लिखा है. आपको 2 लाइन पढ़ता हूँ. कॉटन गुरु फील्स दैट द गवर्नमेंट मस्ट स्टार्ट ट्रीटिंग एग्रीकल्चर एज अ बिजनेस. खेती को एक व्यवसाय समझना चाहिए सरकार को और गवर्नमेंट के पास एक स्टार्टअप पॉलिसी है तो क्यों ना कृषि में स्टार्टअप को प्रमोट किया जाए और उन्हें पैसे उपलब्ध किए जाए उन्हें फंड लोन उपलब्ध किए जाए कम ब्याज पे ताकि वो किसानों को कम कीमत वाली टेक्नोलॉजी जल्द से जल्द पहुंचा सके ताकि उत्पादकता बढ़े अपनी और गुणवत्ता बढ़े. फर्दर हर कमोडिटी की एक इंडस्ट्री है जैसे शुगर इंडस्ट्री है ना. और तो उस तरह कपास के लिए कोई खास कमिश्नर नहीं है. जब कमिश्नर ऑफ कॉटन होना चाहिए और
ये कमिश्नर ध्यान रखेगा कि कपास में इसका डिमांड कितनी है, तो कितना कपास होना चाहिए, कौन से राज्य में कितना कपास होता है, उसकी गुणवत्ता क्या है और क्या होनी चाहिए, इसके मापदंड होंगे और ये डायरेक्टली किसानों तक जाएंगे। दूसरा है कॉटन बोर्ड, ये भी होना चाहिए, कॉफी बोर्ड है, शुगर केन में कमिश्नर है, पर कपास में ऐसा कुछ नहीं है। तो ये इमीडिएटली होना जरूरी है, ये मैं 2018 में लिखा था, इसकी पूरी मेहनत है हमारी, ये एक दिन होके रहेगा, पर आप सब किसानों का हमें साथ सरकार भी चाहिएगा। तो बढ़ना है आगे, पीछे जाने का रास्ता नहीं है, खेती हो या जीवन हो पीछे देखना नहीं है। तो आगे बढ़ने के लिए क्षेत्र पूर्ण समृद्धि ये किस तरह हो सकता है, हम संक्षिप्त में देखेंगे, उसके बाद आपके कोई सवाल होंगे तो वो भी हम लेंगे, क्योंकि मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे वक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीएससी आईटीएफ से सदाजी खंडेलवाल और अनिल जी रंगवानी है, और आदित्य जी सामंत है जिनकी बहुत अच्छी स्टडी है, वो एक डॉक्टर है, पीएचडी की हुई है उन्होंने, और वो भी अपने मत टेक्नोलॉजी के बारे में रखेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले अब एक छोटा सा हम प्रेजेंटेशन देखते हैं, क्षेत्रीय पूर्ण समृद्धि। फर्स्ट स्लाइड यस सर, ये फर्स्ट स्लाइड नहीं है ना, सेकंड स्लाइड। बैक जाएंगे, बैक यस सर, बैक आप फ्रंट जा रहे हैं, तो ओके ओके, सो वी आर ऑन द फर्स्ट स्लाइड ओनली। फर्स्ट स्लाइड और देखिए। हाँ, खेती समृद्धि एफपीओ का उत्कर्ष साथी विशेष वेबिनार मालिका है ना, सर्वोत्कृष्ट कालावधि कौन सा बेस्ट समय होगा उसके लिए, वो है करोड़ के दरमियान, अभी ये हो सकता है, न पहले ऐसा मौका था कई साल तक, न आगे शायद ऐसा मौका मिला जो आज किसानों के लिए और एफपीओ के लिए है। क्या मौका है और क्यों है, आगे देखते हैं। कोरोना नंतर की परिस्थिति, या अपन बघत आहात शहरामध्ये काय परिस्थिती आहे, ऑफिस बंद आहे, नोकऱ्या नाही आहेत, नोकऱ्या गेल्या आहेत, धंदे बंद आहे, फॅक्टऱ्या बंद आहे, खूप सारे उद्योग अजून चालू झालेले नाही आहे, त्यांची सप्लाय चेन बंद आहे, आणि मायग्रंट लेबर जे उद्योग मध्ये काम करणारे कामगार होते त्यांची तर हालत खूप खराब आहे, 2 करोड कामगारांनी मायग्रेशन केलं आहे शहरातून गावा, 200 200 500 800 900 किलोमीटर पर्यंत चालले आहेत, आणि ते सर्वांना आपण टीव्ही वर बघितल्या, ही परिस्थिती अजून बंद झालेली नाही आहे, कोरोना अजून चालू आहे, ऑफिस अजून बंद आहे, आणि उद्योग अजून पण पूर्णतः चालू झालेला नाही आहे। तर या परिस्थितीमध्ये आपण आलो आहोत जे केव्हाही झालेलं नाही आहे, रामायण मध्ये त्याचा उल्लेख नाही आहे, महाभारत मध्ये त्याचा उल्लेख नाही आहे, इतिहास मध्ये त्याचा उल्लेख नाही आहे, ते जग 200 चा वर देश बंद झाले असतील एका वेळी, विश्व युद्ध मध्ये पण नाही, केव्हाही नाही, असा काळ आपण आता बघत आहोत। या काळामध्ये उपाय काय आहे, इससे बाहेर निकलने के रस्ते अपने पास क्या है और कौन से व्यवसाय चल रहे हैं। नेक्स्ट, एक मुख्य व्यवसाय जगला, क्या दिखता है आपको जो चल रहा है इसमें, क्या है, खेती, कृषि चल रही है, डॉक्टर चल रहे हैं लेकिन वो परेशान है, रोज इतने पेशेंट को देखना पड़ता है, पुलिस वाले चल रहे हैं लेकिन वो उनसे ज्यादा परेशान है, इतने लोगों को रोज मैनेज करना पड़ता है, कोरोना ग्रस्त जगहों पे जाके उनको सब डिसिप्लिन बनाना पड़ता है, पर कृषि अपने खेत में अपना काम करना है, खुली हवा में काम करना है, कुदरत के साथ काम करना है, आपको कोई रोक टोक नहीं है, पहले दिन से कृषि को एसेंशियल कमोडिटी सरकार ने डिक्लेयर किया है, कृषि की किसी चीज पर कोई रोक टोक ऑफिशियली नहीं है। सर मैं ऐड करना चाहूंगा इसमें थोड़ा सा। हाँ बताइए सर, मतलब जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है, नौकरी वाले है, नौकरदार है, वो ज्यादा से ज्यादा 10,000 स्क्वायर फीट में घूम रहे हैं, लेकिन किसान ही एक में ऐसा ये है जो एकरों में हेक्टरों में घूम रहा है। क्या बात है, बिल्कुल सही बात है, हम स्क्वायर फीट में घूम रहे हैं और आप एकड़ों में घूम रहे हैं, बहुत सारे लोग मुंबई छोड़ के अपने गांव खेती करने गए हैं, बिजनेसमैन
वहां पे उनको 14 दिन का क्वारंटाइन हुआ, वो भी उन्होंने खुशी खुशी अपना लिया है कि अब हम जो धंधा सालों से करते आ रहे हैं वो चलने वाला नहीं है, चलेगी कृषि तो यहाँ से मुंबई से ही नहीं, नहीं तो 10-15 हजार लोग गाँव की तरफ जाए खेती करने के लिए। खेती नफा की तोटा, ये आपका उत्तर चाहूंगा मैं, नफा या तोटा आप लिख सकते हैं या हाथ ऊपर कर सकते हैं अगर आपके हिसाब से नफा है। मुझे पता है बहुत सारे लोग इसको नफा ही लेंगे, किसान से कमा रहा है इसमें तो चिंत है किसान भारत में। विजय जी लाडोले ने जो बात कही है अभी बैतुल्य एफपीओ के, बहुत सारे पैसे है किसान के पास, बहुत सारी सुविधा है या नहीं, इतना सारा खेती में पोटेंशियल और इतनी सारी उसमें अपॉर्चुनिटी होने के बावजूद आज किसान खुश नहीं है, आपका उत्तर क्या होगा ये हमें पता है, अमल अपेक्षित है आप लोग उत्तर का। इतना कर्ज आने खरीदीदार या तो मधे किसान सापट लेला है, खेतरी सापट लेला है, ये पिक्चर आपको क्लियर अंदाज देगा कि किसान की हालत भारत में क्या है। कॉटन गोभी परिस्थिति को खूब समझता है क्योंकि हम 1 लाख किसान के साथ में रहते हैं इतने समय से। एफपीओ की धड़पड़, एफपीओ बना लिया तो आप राजा हो गए। 2, 5 साल, 8 साल पहले जो देखे एफपीओ बनाने की मुहिम शुरू हुई, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जब से बनना शुरू हुआ, लोगों ने बहुत आपको झाड़ पे चढ़ाया, बहुत आपको एक एक बड़ी कुर्सी पर बिठाया, जब तब एफपीओ हो अब आपको ये हो जाएगा वो हो जाएगा, किसानों की बहुत सारी अपेक्षाएं डायरेक्टर की तरफ आई, तब हम एफपीओ के मेंबर है हमें ये मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए, पर परिस्थिति इतनी आसान नहीं है। एक कंपनी चालू करना अलग बात है और कंपनी चलाना अलग बात है और उस कंपनी को समृद्धि की तरफ ले जाना अलग बात है, उसके लिए किसी ने एफपीओ को और उनके डायरेक्टर को तैयार नहीं किया है। आपको एफपीओ बनाने में मदद मिली चलाने में मदद नहीं मिल रही है, जो बात आप पीछे जाइए मत छोड़िए। व्यवसाय मॉडल का अभाव, क्या व्यवसाय करना है, किस तरह करना है, आपका कोई कोर्स नहीं हुआ है, आपका कोई एजुकेशन ट्रेनिंग आपको नहीं हुई है, तो करना क्या है और किस तरह करना है, उत्पादन विकसित करना है, तांत्रिक समर्थ लाना है, सब टेक्नोलॉजी लाना है, कहाँ से लाना है, कौन देगा, पैसे कौन देगा, निधि का अभाव, पैसे लोन 15%, 20%, 22% एफपीओ ने लोन लिए हैं, वो भी कुछ एफपीओ को मिले हैं, ज्यादातर एफपीओ को लोन की सामर्थ्य नहीं होने से लोन नहीं मिले। हम आपको सामर्थ्य बनाने की कोशिश करेंगे, आपको क्रेडिट वर्थी जो बोलते हैं बैंक की नजर में दो लोन लेने लायक आप बने, ये हमारा हमारा प्रयास रहेगा, हम उसके लिए पूरे तरह प्रयत्नशील है। कायदे की समर्थना का अभाव, कायदा क्या कहता है, और आप कंपनी बनाने वाले तो कायदा तो आपको लगने वाला है, जीएसटी रिटर्न किसको बोलते हैं, ये सब खर्चा करके भी आपको जानना तो जरूरी है क्योंकि आगे चल के आपको ये खुद करना है। आप साल में 30-40-50 हजार रुपया सीए के पीछे नहीं दे सकते अगर आपकी कमाई नहीं हो रही है। तो खरीददार यानी गुणवत्ताकार का आकर्षित करने, ये तो बहुत सबसे इम्पोर्टेंट काम है, अगर खरीददार अपने पास मिल जाता तो आधी बागी हम जीत जाते हैं, तो ये चीज नहीं हो रही है। जैसे विजय जी ने भी बताया, बायर नहीं है, धन का बायर नहीं है, कॉर्पोरेट बायर तो बिल्कुल नहीं है, और सप्लाई चेन बहुत ही डिस्टर्ब है, कहाँ जाए किसको बेचे, 10-20 किलोमीटर में सब बोलते हैं निर्यात कर दो, ये कर दो, वो कर दो, 1,000, 2,000, 5,000 किलोमीटर दूर की बात है, हमारा बायर 5 किलोमीटर में होना चाहिए ऐसा हम मानते हैं, 5 किलोमीटर में है तो ही किसान खुश रह पाएगा। सबसे पहले नजदीक का बायर काम आता है, जैसे सबसे पहले पड़ोसी काम आता है, ये बाहर तय हो जाना चाहिए, फिर धीरे धीरे हमें ग्रो करके बाहर से बाहर की तरफ जाना चाहिए। पर ये एफपीओ के डायरेक्टर को कौन इतना सब ट्रेनिंग करने वाला है, तो सामान्य प्रशिक्षण व सभी के कौशल विकास, सॉफ्ट स्किल की ट्रेनिंग बहुत जरूरी है और स्किल डेवलपमेंट जरूरी है, ये कौन करेगा, इसके एक्सपेंस कौन देगा, ट्रेनिंग कहाँ से आएगी, पैसे से आएगी तो पैसा कौन देगा। सर साधारणपणे एफपीओ ला है सर्व शिक्षणासाठी 5 से 6 वर्ष लागतात, पण 5 से 6 वर्षापर्यंत खेतरी रहना नहीं संगति, तो बहुत सारे किसान यहाँ से निकल रहे हैं एफपीओ से, उन्हें पता भी नहीं है कि कौन से एफपीओ के वो मेंबर हैं, क्योंकि वहाँ पर किस तरह का कुछ काम उन्हें नहीं दिख रहा है, डायरेक्टर भी परेशान है। जो फोटो हम दिखा रहे हैं ये उसका एक प्रतीक है कि जो डायरेक्टर की परिस्थिति है एफपीओ में, बहुत कुछ करना चाहता है पर इतना बोझ है कि अकेला नहीं उठा पाएगा, सभी किसानों को जुड़ना है, अपने अपने स्तर का काम करना है, और कॉटन ग्रुप आपको इसके लिए जरूर मदद करेगा।
स्लाइड ऐसी अतिशय उपयुक्त योजना आपको पता होना चाहिए। जो महाराष्ट्र में करीबन 62 योजनाएं हैं उसमें आपके काम की कौन सी है। भारत वर्ष में करीबन करीबन 40-42 ऐसी योजनाएं हैं जो किसानों के लिए खास बनी है, आपके काम की कौन सी है। ऐसी कुछ योजनाओं का लिस्ट मैं आपको दे रहा हूँ, ई नाम करके जो है आपको कंपलसरी इसमें रजिस्टर करना ही होगा। जैसे ही उसके जैसे ही दूसरी भी योजनाओं का लिस्ट है, फिर कुछ बहुत विशिष्ट योजना है जैसे महाराष्ट्र में स्मार्ट योजना है, पोखरा है, एक मैग्नेट करके योजना है, यहाँ पे आप इसका फायदा जरूर लेना चाहिए और ये डायरेक्टर्स को इनकी माहिती जरूर लेनी चाहिए। गौतम गुरु इसमें आपको मदद करेगा। इन योजनाओं में आपने अगर भाग ले लिया तो आपकी प्रगति कोई नहीं रोक सकता। उसी स्लाइड पर रहिए। एपीएमसी का एक्ट में अभी बहुत बड़े चेंजेस आए हैं। क्या है वो चेंजेस? एपीएमसी एक्ट के नए एक्ट के अंतर्गत अभी आपका माल आप कहीं भी बेच सकते हैं। आपको एपीएमसी में बेचना जरूरी नहीं, आपके राज्य में बेचिए, दूसरे राज्य में बेचिए, किसी भी बायर को बेचिए। तो इससे काफी सारे बायर के ऑप्शन खुल गए हैं, लेकिन एक प्रोटेक्शन जो आपको मिल रहा था एपीएमसी का वो भी निकल गया है। आपके सर से वो छत निकल गई है, अभी आप आसमान के नीचे हैं। तो ये दूसरे बायर की तरफ किस तरह पहुंचना ये जानना जरूरी है। आपके जो क्रॉप है उसका हमी भाव एमएसपी क्या है ये आपको जानना जरूरी है। आपका खर्चा एमएसपी से कम किस तरह होना चाहिए इसके लिए हम आपको ट्रेन कर सकते हैं। और एमएसपी के भाव से अगर आप बेचे भी, आपको बेचना भी पड़े, जिस तरह कपास बिकना शुरू हो गया था इस साल और तूर बिका है, रजग्राम बिका है, तो उसमें नुकसान नहीं होना चाहिए अगर आपका नियोजन बरोबर है। क्योंकि तुम समृद्धि ये फोटो देखिए और आप एक सपना देखिए, ऐसा मेरा आपको आवाहन है। एक सपना देखिए कि आपको क्या करना है। आपके बच्चों को एक बहुत अच्छी स्कूल में एडमिशन दिलाना है, एक आपको अच्छा घर बनाना है, एक आपको एक गाड़ी लेनी है बहुत बढ़िया, एक ट्रैक्टर लेना है बहुत बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला ट्रैक्टर लेना है आपके खेत के लिए। आप क्या करना चाहते हैं पहले सपना देखिए और उस सपने के साथ अपने खेती को जोड़िए। हाँ, ये सपना मेरी खेती से किस तरह पूरा हो सकता है, और अगर वो आप पूरा कर लेते हैं तो आप हजारों किसानों के लिए मिसाल बन सकते हैं। ऐसे बहुत सारे किसान गौतम गुरु ने देखे हैं भारत में जो बहुत उत्कृष्ट खेती कर रहे हैं और बहुत पैसे कमा रहे हैं। पंजाब का एक किसान तो उसने ट्रैक्टर वाले से कहा कि मुझे मर्सिडीज जैसा एसी ट्रैक्टर बना के दे दीजिए, मर्सिडीज गाड़ी जैसा एसी ट्रैक्टर बना के दीजिए। कंपनी ने उसको बना के दिया, बोला मैं एसी गाड़ी में घूमता हूँ तो मेरा ट्रैक्टर भी एसी होना चाहिए। इस तरह का सपना आपको देखना है। नेक्स्ट, कॉटन भारत का सर्वोत्तम नकदी पीक किस तरह है? कॉटन भारत में सबसे नकदी पीक, आपको पानी कम लगता है कपास में और एमएसपी बहुत अच्छा है। प्रमुख एक्सचेंज जो बॉम्बे में है, जिस तरह बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भारत में है, आईसीई करके है वो अमेरिका में है, ऐसे एक्सचेंज से आपको कपास के आगे 6 महीने के भाव क्या चल रहे हैं ये आपको पता चलते हैं। कॉटन कपास की खेती के बाद जो आपका उत्पन्न आता है कपास, उसको रुई में कन्वर्ट करके आप जोखिम को कम कैसे कर सकते हैं, ये कॉटन में एक चॉइस आपको अवेलेबल है जो आज हम आपको देने वाले इस कार्यक्रम में। आप वैल्यू एडिशन मूल्य जोड़ सकते हैं काफी हद तक। कल्पना वृक्ष है कपास का यार, उसका हर चीज हर भाग काम आता है और अनेक अनुकूल सरकारी योजना और अनुदान कॉटन में अवेलेबल है, इसीलिए कॉटन 7000 साल से भारत का सर्वोत्तम नकदी पीक रहा है। आमी कौन? कॉटन गुरु कौन? आप ये सब कह रहे हैं पर आप है कौन? हम आपको जानते नहीं। 1 लाख किसान आपके साथ में जुड़े होंगे पर बहुत सारे किसान आपको जानते नहीं। भारत में 11 करोड़ किसान हैं मित्रों, तो सभी उनको जानते नहीं। तो सिर्फ 2 लाइन में आपको बता दूं, कॉटन गुरु एक चौथी पीढ़ी की संस्था है जिसको करीबन 117 साल हो गए हैं और काफी सालों से हम फायदेशीर खेती मतलब नफिया की खेती कहिए या खेती को नफा, इस बात पे हम कंटिन्यू वर्कशॉप करते आ रहे हैं। करीबन 10 साल में हमने ऐसे 250 वर्कशॉप किए हैं जो 2000 गांव में हमने जाके किए हैं और 1 लाख किसानों को प्रत्यक्ष मिले, इसलिए इतने किसान जुड़े हैं। गौतम गुरु की एक विशिष्ट पेशकश है गौतम गुरु प्रदर्शन क्षेत्र या नमूना पुरावा क्षेत्र, उसी नेक्स्ट स्लाइड पर ये नेक्स्ट स्लाइड। यस सर, नेक्स्ट पे जाइए।
कॉटन गुरु प्रोडक्शन से जब आप देखते हैं नापिक जमीन, ये जमीन ऐसी थी लास्ट ईयर औरंगाबाद में 100 एकड़ की जमीन, 3 महीने बाद ये जमीन का पिक्चर देखिए और 5 महीने बाद ये जमीन का पिक्चर देखिए, इसमें 9 पिकिंग हमने लिए और 300% हमने उत्पन्न बढ़ाया। उत्पादन बढ़ाने की जरूरत है पर एरिया कम करके, बहुत सारा एरिया हम कपास की खेती को दे रहे हैं। 40 लाख हेक्टर महाराष्ट्र में खेती हो रही है कपास की, इतना तो पूरे चीन देश में नहीं हो रही है, पूरे चीन में सिर्फ 35 लाख हेक्टर है मित्रों, और महाराष्ट्र में 40 लाख हेक्टर है। इतना एरिया नहीं होना चाहिए कपास के अंदर, हमें एरिया आधा करना है, उत्पन्न दुप्पट डबल करना है ताकि हमारा उत्पन्न उतना ही रहे, आवक डबल हो जाए, क्योंकि एरिया कम होगा तो उसमें दूसरी फसल ले पाएंगे। ये एक कॉटन गुरु प्रदर्शन खेत का नमूना है, किस तरह की जमीन हम लेते हैं, क्या काम करते हैं, और उसके बाद अमृत पैटर्न से उसको किस तरह एक सुपीक खेत जमीन में हम उसको तब्दील करते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रदर्शन खेत कॉटन गुरु ने बनाए हैं, 1 एकड़ से लेकर 500 एकड़ तक के ये ऐसे खेत भारत भर में कॉटन गुरु ने बनाए हैं। एसपीयू सुविधा केंद्र ये बनवण्याचे आमचं एम आहे। कॉटन गुरु द्वारा देण्यात येणाऱ्या सेवा व्यवसाय समर्थन तुम्हाला व्यवसायामध्ये समर्थन मिळायला पाहिजे, तांत्रिक आर्थिक विपणन आणि उत्कृष्ट सरकारी योजनांची अंमलबजावणी जे आपण बघितलं आता स्लाइड मध्ये, ते सर्व आपल्याला एका स्टॉप मध्ये मिळणार पाहिजे, म्हणजे एक वन स्टॉप शॉप ज्याला म्हणतात, एक बटन प्रेस किया तो गाडी स्टार्ट होती है, अब आपकी टू व्हीलर एक एक मारा तो गाड़ी स्टार्ट होती, उसी तरह कॉटन गुरु को एक फोन किया तो आपकी ये सभी प्रॉब्लम सॉल्व होने चाहिए, ये हमारा एम रहेगा और ये इसी उद्देश्य से हम काम कर रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड। कॉटन गुरु प्लस सीओ एक फायदेशीर खेती, आम्ही उत्कृष्ट 5 एफपीओ ला निवडणार आहोत जे आमच्या सल्ल्याला प्रतिसाद देतील आणि आमच्या सूचनांचे पालन करतील। हम 25 एफपीओ के साथ ही वेबिनार कर रहे हैं, बहुत सारे एफपीओ और जुड़ना चाहते हैं, करीब 58 एफपीओ के हमारे पास अभी एप्लीकेशन आए हैं जुड़ने के लिए, किसी किसी वेबिनार में हम शायद एक एक और एफपीओ को जोड़े, उसमें से हम 5 ही चुनने वाले, उत्कृष्ट जो 5 होंगे उसको चुनेंगे। और कॉटन गुरु एक प्रचंड व्यापी प्लेटफॉर्म बना रहा है जिसमें इन 5 एफपीओ को हम आपको लोन चाहिए लोन दिलाएंगे, आपको बायर चाहिए बायर दिलाएंगे, आपको सप्लाई चेन के सप्लाई चेन दिलाएंगे, किसके में आपको माल बेचना है तो हम आपको मदद करेंगे। उन 5 एफपीओ को जो चाहिएगा वो हम करने के लिए तैयार होंगे, निःशुल्क एफपीओ के लिए। अपनी जमीन सोन्याचा खाणीत रूपांतरित करण्यासाठी कॉटन गुरु के प्रकल्प, क्या क्या प्रकल्प कॉटन गुरु के हैं 2 मिनट में आप देख लीजिए। कॉटन गुरु प्रदर्शन खेत अमृत पैटर्न सह मैंने बताया, उत्पन्न डबल, गुणवत्ता डबल आणि आवक डबल, केंद्रीय BCI देशी कापसासाठी प्रोत्साहन, सहायक भारताचे अव्वल खरेदीदार, आमच्याकडे अव्वल खरेदीदार आहे, जे तुमच्याकडे सेंद्रिय ऑर्गेनिक कपास आपके पास है, BCI का कपास है, देशी कपास है, उस कपास के लिए हमारे पास बहुत अच्छे बायर हैं, आप हमारा कॉन्टेक्ट करिए, हम आपको अच्छे खरीदार से संपर्क करा के आपका माल भी दिखवा के देंगे। स्वच्छ कपास अभियान ये हम CCI के साथ चलाने वाले हैं 1 साल, तो कपास में जितनी स्वच्छता और कंटेमिनेशन कम आएगा उतना ही कपास का मूल्य बढ़ेगा। कपास बाजार के शोध मार्केट किस तरह देखना है और जोखिम व्यवस्था हम किस तरह करना है, इसमें हमारे साथ हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, BSE इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड, ये जो हमारे साथ आज भी जुड़े हुए हैं, हर वेबिनार में हमारे साथ जुड़े रहेंगे, इनको भी साथ में मिलकर हम आपको यहाँ एक लेवल आगे लेके जाएंगे। कपास से लेकर रुई तक का जो आपका जर्नी होगा वो इस तरह होगा कि आपको प्राइस क्या आगे रहे ये पता हो और आपका रिस्क भी मैनेज हो। ये सच्चे उपकरण खरीदिए कॉटन गुरु ने, बल्क बाइंग इस साल जो शुरू की थी, बहुत सारे एफपीओ ने प्रतिसाद दिया, हमने आपको उत्कृष्ट बियाने खरीद के दिए, डायरेक्ट कंपनियों से खत खरीद के दिए और काफी डिस्काउंट में खरीद के दिए, जिसका फायदा एफपीओ को हुआ है। ये प्लेटफॉर्म और आगे बिक्री के लिए भी बढ़ने वाला है और क्रॉप के लिए भी हम सप्लाई चेन बना रहे हैं, हमने अदरक के लिए टर्मरिक के लिए सप्लाई चेन अभी बनानी शुरू की है, फलों के लिए बना रहे हैं, आम के लिए बनाई है, तो जहाँ जो आपकी जरूरत है वहाँ कॉटन गुरु आपके साथ में है। आत्मनिर्भर कृषि जर आग्रह अपना विषय है, या वेबिनार मध्ये सामील होऊन आपण ही सुवर्ण संधी कैश करण्यासाठी पहिले पाऊल उचललेले आहे, संघर्ष जेवढा मोठा यश तितके मोठे असेल हे नक्की आहे, बघू कसं होत नाही ते, हम दोनों को नक्की करना है हमें और एफपीओ को।
और ये सब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये CIPF है, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, इतने बड़े खरीदार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इतनी सारी फीड कंपनियां हैं, अच्छी कंपनियां हैं, क्यों नहीं हो सकता? क्यों? जबकि किसान हटेगा तो देश बचेगा। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। नेक्स्ट स्लाइड। जिथे प्रयत्नांची की उडी मोठी असते तिथे नेतेवाला ही कमीपणा घ्यावा लागतो। आज हम शेतकरी को ये उद्देश्य से आगे बढ़ना है कि मेरा सपना किसी हालत में कृषि से पूरा होना चाहिए। आज जो भी आपने सपना देखा हो, घर का, गाड़ी का, बच्चों के शिक्षण का, जो भी देखा हो, अच्छे ट्रैक्टर साधन का, ये सपना कृषि से आपका पूरा किसी हालत में होना चाहिए। इस उद्देश्य से आगे बढ़ना है मित्रों। आप सभी का इस प्रेजेंटेशन को शांति से सुनने के लिए बहुत बहुत आभार। अब